बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गंडक नदी में घड़ियाल बहाली के प्रयासों से उत्साहित बिहार सरकार, लॉस एंजल्स चिड़ियाघर और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने सरीसृपों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने और उनके बच्चों को वापस नदी में सुरक्षित छोड़ने पर सहमति जताई है। बिहार के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्डन पी के गुप्ता ने कहा कि गंडक नदी में सरीसृपों के प्रजनन को पुनर्जीवित करने के लिए 2014 में WTI के सहयोग से बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई घड़ियाल संरक्षण परियोजना के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इस जल निकाय के 284 किलोमीटर के दायरे में साल 2014 के सिर्फ 30 की तुलना में 217 मगरमच्छ देखे गए। उन्होंने कहा कि घड़ियाल संरक्षण के लिए उभरती चुनौतियों और समाधानों पर हाल ही में यहां एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें गंडक नदी में घड़ियालों की बहाली की प्रगति, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में WTI के संयुक्त निदेशक समीर कुमार सिन्हा, लॉस एंजल्स चिड़ियाघर के संरक्षक निदेशक जेकब आर ओवेंस, इसी चिड़ियाघर के सरीसृप और पशु रक्षक जेरोमी एम चेनार्ट और क्यूरेटर लर्निंग एंड इंगेजमेंट मोड़ा टी मेर्सली ने भी भाग लिया था। गुप्ता ने कहा कि वे जल्द ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।